अब यहाँ पर देखें, ये पार्ट जो कि आपने देखा है अभी, उसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक जम्पर यहाँ पे यूज किया है जो कि इस गेट लाइन पे गई है। अभी हम आपको इसके बारे में बताते हैं, पहले आप इसके पिक्चर को देख लें। ये देखिए, अभी जो रोलिंग हो रही थी, ये अभी ये जो है कांस्टेंट हो गया, यानी हमारा ये ओके है। अब यहाँ पे पिक्चर भी आप देख पाएंगे, ये देखिए अभी पूरी तरीके से ओके है। अब यहाँ पे जो आपने इस टाइप के पार्ट देखे, ये वर्टिकल, और उसके बाद आपने ये रोलिंग का पार्ट देखा, तो कहने का मतलब है इस फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए आपको पैनल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, ये डीसी टू डीसी आईसी है ये। अब यहाँ पर देखें, ये जो है वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ पे देखें ये जी रेफरेंस, वी रेफरेंस, और वी ऑन, बी जी एच। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बी जी एच और वी ऑन। अब यहाँ क्या है कि ये बी जी एच और वी ऑन में डिफरेंस है, और इसका जो पोजीशन है देखना है आपको, यानी कि इस पे वोल्टेज कितना है और इस पे वोल्टेज कितना है, ये कहाँ पे जाता है, क्या काम करता है, और ये इसका क्या काम है, और ऐसे ऐसे आप और आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये एल बी डी एस, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे जो भी सिग्नल इन हो रहे हैं, इनका क्या काम है, ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं, और फिर इसमें से जो आउट होती है, यानी ये जो स्केलर आईसी है, इसमें से कौन कौन से वोल्टेज आउट होते हैं, इनका क्या क्या काम है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वोल्टेज यहीं पे सिग्नल वोल्टेज मिल जाएंगे, जो कि आपको ये बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे ये जा रहे हैं, तो इनका काम क्या है। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम कि कौन से वोल्टेज या कौन से सिग्नल से क्या होता है, तो इसे आप यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप ओपन करके भी देख सकते हैं कि ये इसके एब्सेंट होने पे क्या फॉल्ट क्रिएट होते हैं स्क्रीन पे, और इनके क्या काम है, इन पे कितने वोल्टेज हैं, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, यानी डीएसओ से आप देखेंगे तो उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे जितने भी टेस्ट पॉइंट हैं, ये जैसे हुआ, ये जैसे हुआ, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज सिग्नल होते हैं जो कि मेजरमेंट के लिए होते हैं, टेस्टिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं। इसी तरीके से और आगे आप आएंगे तो यहाँ भी कुछ टेस्ट पॉइंट दिए गए हैं जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये है पैनल नंबर, और यहाँ पे आपको बता दें, ये जो बाईपास मेथड यहाँ से किया गया है, यानी जो रोलिंग रोकने के लिए, उसे हमने जो है ये रेजिस्टेंस 502 यहाँ पे हमने जोड़ा है। ये एसटीबी पॉइंट है जो कि इनपुट पे जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये गेट कप पे, तो यहाँ पे इनपुट पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, और इनपुट पॉइंट पे ये सिग्नल जब इन होंगे तभी यहाँ पे जो हमारा एसटीबी यहाँ पे आउटपुट पिन है, अभी हम आपको दिखाते हैं आगे, यहाँ पे ये वोल्टेज मिलेंगे, यानी ये वोल्टेज अगर यहाँ पे सिग्नल इन नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट पे भी जो है नहीं मिलेंगे, जिससे पिक्चर रोलिंग करेगी। तो ये हुआ एक शॉर्टकट मेथड जिसे बाईपास करते हैं। और कोई कोई ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जो हमारे नो डिस्प्ले के लिए यहाँ से भी प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जहाँ पे साइड कप नहीं होते हैं, तो भी आपको अगर कुछ ऐसे लाइन चली गई थी,
लाइन जाने की वजह से। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, अब यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट देख रहे हैं सब पे देखिए नेम लिखे हुए हैं, जैसे पी ओ एल लिखा हुआ है, सी पी वी, ओ ई वन, ओ ई टू, एस टी बी डी, एस टी बी यू। अब यहाँ पे देखिए दो दो जो नेम दे दे रहे हैं, यानी वन टू करके, जैसे वो ये हुआ, तो यहाँ क्या है कि इस लाइन पे जो पहुँच रहे हैं उसे आप जो है कंटिन्यूटी मोड से आप बजर के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कौन से सिग्नल आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ले लीजिए, ये हमारा बी ऑन हुआ और बी जी एस हुआ। अब वहाँ पे बी जी एस नहीं जाएगा, ये जाएगा बी ऑन, फिर यहाँ पे बी ऑफ लिखा हुआ है, ये जाएगा इस साइड में यहाँ पे। इसी तरीके से आपको स्टेप वाइज स्टेप सबके नॉलेज आपको रखना ज़रूरी है कि कौन कौन से सिग्नल का क्या काम है और इनके नाम मिलने से कौन से फॉल्ट क्रिएट होते हैं। हम स्टेप बाई स्टेप आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जो ये आप देखे हैं इसका हम आपको यहाँ पे दिखा, अब यहाँ पर आप देख लें इससे, ये है इस टीवी पिन नंबर 4 जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे इसे हमने जो है यहाँ से ऐसे बाईपास जोड़ा है। अब यहाँ पे हम आपको इसके कप के नंबर भी लिख दिए हैं और इस पर मिलने वाले वोल्टेज और यहाँ से इस पर जो है इसके मिलने से क्या फॉल्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए 24 है वोल्टेज जो कि बी ऑन पॉइंट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बी जी एच, बी जी एच में क्या है, दो वोल्टेज का दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे 26 वोल्ट ये बी जी एच है। अब यहाँ पे आ जाइए बी ऑफ 7.8, ये नेगेटिव वोल्टेज है। और यहाँ पे है ये पैनल वोल्टेज, अब यहाँ पर देखें ये जी रेफरेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जिसे मालूम है उनके लिए कोई बात नहीं, और जिसे नहीं मालूम है उनको यहाँ पे बता दें, ये वोल्टेज देखकर भी आप जान सकते हैं कि इसका नाम क्या है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है कि जैसे लिखा हुआ है जी रेफरेंस, तो यहाँ पे ये हो गया ये ए बी डी टी, और ए बी डी टी के बाद आपको फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ये बी रेफरेंस एफ बी फीडबैक। अब यहाँ पे प्रॉब लगाते हैं, ये देखिए 1.2 वोल्ट। अब ये वोल्टेज रेफरेंस है जैसा कि आगे हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए यक्स ए ओ, थ्री पॉइंट टू वोल्ट ये यक्स ए ओ, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे यक्स ए ओ जो कि इस जगह पे गया है, यानी इस गेट कप पे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है, और हम ये थोड़ा सा लंबी टॉपिक हो जाएगी इसलिए शॉर्टकट में मेन हम आपको बताते हैं। इसमें ये डी बी डी डी,
अब ये जो है डिजिटल वोल्टेज है, यानी डिजिटल ड्राइव के लिए है, और ये है 3.29 यानी 3.3 वोल्टेज। अब यहाँ पे आ जाइए, यानी ये जी रेफरेंस का यानी एबीडीडी का हाफ वोल्टेज मिलता है। अगर ये अलग भी लिखा हो तो भी आप मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर इसे देख सकते हैं, 7.6 वोल्ट शो कर रहा है, यानी इस वोल्टेज का ये हाफ वोल्टेज भी काम हुआ। ये देखिए यानी 16 वोल्ट है, तो इसका हाफ यहाँ पे भी काम हुआ। अब पैनल रिपेयर के लिए यहाँ आपको इन सब मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हमारे ओल्ड डिजाइन पैनल है, क्योंकि लेटेस्ट में इन सब की झंझट ख़त्म है, क्योंकि सब कुछ एक ही आईसी में या दो आईसी में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, यानी उसी आईसी के अंदर ही सब कुछ ओके होके केवल जितने भी हमारे ऑपरेटिंग पिन हैं वही केवल बाहर होते हैं, बाकी सब आईसी के इंटरनल ही सब सारे काम हो जाते हैं और हमको बाहर से कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल जो पिन निकले हैं उन्हीं पिन पे केवल वोल्टेज या सिग्नल टेस्ट आउट करके फॉल्ट को टेस्ट आउट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।